नमस्कार साथियों, आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोग मुझसे आके ये पूछ रहे हैं कि सर हम कब तक कामयाब हो जाएंगे, क्या नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए सही डेस्टिनेशन है, सही जगह है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना लिया जाए और एक व्यक्ति को बताने की जगह सभी को बता दिया जाए। पहली चीज़ को ये समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप जब नापते तोलते हैं किसी सक्सेस के रूप में या किसी बिजनेस के रूप में या कामयाबी के रूप में, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि किसी भी सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में जब आप जाते हैं, चाहे वो जॉब फील्ड हो चाहे वो आपका बिजनेस फील्ड हो, इन दोनों सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपको पैसा जो आता है वो तब आता है जब आपकी स्किल उस लेवल की होती है। जिस लेवल की स्किल होती है उसी लेवल का आपके पास पैसा आता है। अगर आपकी स्किल एक लेमैन की है जहां पर आपको नॉलेज नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो फिर आपको उस जगह पर उसी लेवल की सैलरी मिलती है या उसी लेवल का आपको वहां पे कमीशन आता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी स्किल को बढ़ा लेते हैं तो आप एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, और प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड होती है मार्केट के अंदर, और जब डिमांड होती है तो फिर भाव भी आपके हिसाब का लगता है, मूल्य भी आपके हिसाब का लगता है। अब ये जो मूल्य है या भाव है कब लगता है, ये समझने वाली बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, रोज नए प्रोडक्ट आते हैं, रोज नई कंपनियां आती हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट की कॉपी करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि कुछ चंद कंपनियां ही क्यों कंटिन्यू चलती हैं और एक कंपनी नहीं चल पाती? तो माय डियर फ्रेंड, तो प्रोडक्ट जब आप बनते हैं, आपने जो अभी तक देखा बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही हैं, ऐसा प्रोडक्ट क्या आप बन पाए हैं? मेन चीज़ ये थी, वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा यूनिक होता है, जिसका कहते हैं कि अपनी मोनोपोली, ये मोनोपोली कब आती है या किसके पास होती है? आपने कई ब्रांड्स देखे होंगे मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं आज की डेट में, जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स मतलब ब्रांड्स हैं, उनकी एक मोनोपोली है, उनका एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट की कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाता, कंपटीशन नहीं कर पाता, इसलिए वो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर, इसलिए वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ब्रांड मार्केट में क्यों लॉन्ग टर्म चल रहा है, क्योंकि उसने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है। अन्यथा रोज कंपनियां खुलती हैं, बहुत सारी आपने देखी होगी मोमोज की कंपनियां खुलते हुए, रोज खुल रही हैं, रोज बंद हो जा रही हैं, मोमोज तो वो भी बनाते हैं। तो ऐसा क्या है कि इनके मोमोज नहीं बिक पा रहे और एक कंपनी है जो मार्केट में उतरी हो, चलती जा रही है, चलती जा रही है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ टेस्ट में स्पेशल दिया है। ऐसे ही कोका कोला सभी जानते हैं, उसका सॉल्ट हर किसी के पास नहीं है, इसलिए उसकी कॉपी कोई नहीं कर पाता, ब्रांड तो बहुत सारे हैं। ऐसे ही KFC, उनका चिकन कितना क्रिस्पी होता है, तो इसलिए आप समझिए बात को, कहने के अर्थ ये है कि ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो अपनी मोनोपोली लेकर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई सर्विस में लेकर, कोई बेस्ट प्रोडक्ट में लेकर, कोई बेस्ट क्वालिटी में लेकर, कोई बेस्ट टेस्ट में लेकर। सेम समझिए, यही फील्ड, यही ट्रेडिशनल मार्केट आपके अंदर भी होता है। एक आम आदमी, एक लीडरशिप में यही चीज नहीं होती है, अगर तो आप समझिए वो लीडरशिप कभी प्रैक्टिकल लीडरशिप होती नहीं है, वो लीडरशिप कभी कर भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अपने अंदर ऐसी लीडरशिप क्रिएट कर ली, एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, तो ये समझिए आप डिमांडेड हो जाएंगे, और जब डिमांडेड जो चीज़ होती है तो फिर उसका भाव उसके हिसाब से लगता है, उसका मूल्य उसके हिसाब से लगता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसे बहुत महान लीडर हैं जिन्होंने आज इतिहास रचा है मार्केट के अंदर। अभी देखिए आप, सोनू शर्मा जी हैं, मिस्टर सोनू शर्मा, आज की डेट में उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा की है कि उनकी डिमांड आज मार्केट में है, तो मानना तो पड़ेगा। श्री हर्षवर्धन जी हैं, उनकी क्वालिटी को देखिए आप, उन्होंने भी अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा की है। मेरे गुरु, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, श्री शिवखेड़ा जी, उन्होंने भी एक क्वालिटी पैदा की है। ऐसे ही डायनेमिक पर्सनैलिटी और मिस्टर संतोष नायर जी, अपने आप में एक विख्यात पर्सनैलिटी,
तो आप समझिए इन सब ने कुछ ना कुछ अपने अंदर डिफरेंट किया है, अलग हटके किया है और उनका अंदाज लोगों को पसंद आता है। क्या आपने अपने अंदर ऐसी कोई क्वालिटी पैदा की है? आप भाव तो चाहते हैं, मोल तो चाहते हैं ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटियों का, ऐसे महान लोगों का, लेकिन वो भाव वो मूल तब मिलेगा आपको जब आप उनके जैसी स्किल डेवलप करेंगे माय डियर फ्रेंड। अब स्किल है नहीं, स्किल है इतनी और मांग हम इतना रहे हैं, तो फेल तो डेफिनेट होना ही है, कंफर्म है, फेल तो होना ही है। कुछ लोग अपने आप को जब उससे ज़्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो उनको लगता है कि अब पूरा ज्ञान हो गया और चलो अब कंपनी खोल देते हैं, या फिर चलो हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, दूसरों को हम जाकर उंगली उठाने लगते हैं। आप ये समझते नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप अपने कैरियर को खुद ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे और लोग भी आपको जानते हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आपको लग रहा है कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपको पसंद करेंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड, कभी नहीं। ऐसे व्यक्ति को धिक्कार दिया जाता है और समाज से अलग कर दिया जाता है। आप अपने अंदर जो भी क्वालिटी पैदा कर रहे हैं उस क्वालिटी को मार्केट में लेकर आइए, एक मोनोपोली बनिए, एक क्रिएटर बनिए, क्योंकि जब तक आप क्रिएटर नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने अंदर मोनोपोली क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे प्लानर नहीं बनेंगे, जब तक अच्छे क्लोजरिंग करने वाले नहीं बनेंगे, जब तक एक अच्छी मोटिवेशन स्पीच नहीं दे पाएंगे, जब तक स्टेज नहीं संभाल पाएंगे, जब तक अपनी टीम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी के रूप में नहीं जाने जाएंगे। और इसका मतलब है कि आप पैसा उतना बेहतर नहीं कमा पाएंगे। आपको पैसा अगर कमाना है तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगी, अपने अंदर नॉलेज यहां पर ज्यादा से ज्यादा गेन करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा किताबों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा यूट्यूब पर जो बड़े बड़े महान लीडर हैं इनको आप सुनेंगे, अब तो कुकू FM पर जाएंगे आप तो वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं, एक से एक बेहतर बुक है उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे कई ऐप हैं जिनके आप जाकर वहां पर बुक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनने का भी ऑप्शन आ गया है। चलो आप पढ़ नहीं पाते तो सुनने के ऑप्शन आ गया, जब मैंने FM बताया कुकू FM, वहां पर सुन सकते हैं आप। मजे की बात यह है ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा फायदा करता है और बहुत फायदा करता है आपकी आगे वाली आने वाली भविष्य की हर रणनीति के लिए, हर चीज के लिए, हर चुनौती के लिए। अगर ज्ञान होगा तो आसानी से पार कर जाएंगे और ज्ञान नहीं होगा तो फंस के रह जाएंगे। तो जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ाएंगे, उतने ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। मैं फिर कहूँगा माय डियर फ्रेंड, किसी को बुरा कहने से बेहतर है उसकी तारीफ कर दो, चार लोग आपकी तारीफ कर देंगे, क्योंकि दूसरों को बुरा कहने से बेहतर है अपने को अच्छा कर लो। खुद को अच्छा कर लोगे आप खुद ब खुद दूसरों के सामने बेहतर होते चले जाओगे। अगर दूसरा कोई आपके लिए गलत कर भी रहा होगा तो लोग उसको समझाएंगे, लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी पैदा करो, फिर कहूंगा क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी पैदा करो, अपने अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट पैदा करो, एक ऐसा अपने आप को प्रोडक्ट बनाओ कि जब भी कोई स्पीकिंग की बात करता है, स्पीकर की बात करता है, अच्छे वक्ता की बात करता है तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, तब आएगा मजा। सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, इस व्यक्ति को बुलाकर लेकर आओ, ये हमारे स्टेज को संभाल सकता है। कंपनियां आपको खोजती हुई आएं, कंपनी आपको कब खोजेगी? जब आप एक ब्रांड बन जाओगे, जब आप एक यूनिक प्रोडक्ट बन जाओगे, तब आपके हिसाब का मूल्य मिलेगा और फिर दाम भी आप जैसा ही लगेगा, जैसा आप चाहोगे। बहुत सारे फिल्म स्टार्स को आपने देखा होगा जब उनका स्ट्रगल रूप होता है और स्ट्रगल का जब उनका फेस होता है उस टाइम में उनका जो रेट होता है वो हमेशा डाउन होता है। क्यों? क्योंकि उनके मर्जी का मूल्य उस समय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी स्किल नहीं है उतनी, और स्किल डेवलप करके वो फेमस हो जाएंगे तब लोग उनको पहचानना शुरू कर देंगे, और जब पहचानना शुरू कर देंगे, जब सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदलना शुरू हो जाएगा,
तो समझ लीजिए फिर दाम आपके हिसाब का लोग देंगे, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर लोग आपके लिए करना शुरू कर देंगे, फिर लोग आके आगे पीछे भागेंगे, वो आपके लिए करेंगे। तो क्या चीज की डेवलपमेंट करनी है अपने अंदर? स्किल की डेवलपमेंट। जितना ज्यादा शार्प माइंड बनाएंगे, जितना अपने अंदर क्रिएटिव माइंडसेट और क्रिएटिव ब्रेन के साथ काम करेंगे, बेहतर स्पीकर, बेहतर मोटिवेटर, एक लीडरशिप में अच्छे बोलने की कला, बातचीत के साथ थोड़ा सा सभ्यता, और साथ में माय डियर फ्रेंड सभ्यता थोड़ी नहीं बहुत नहीं सभी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी यहां पर स्माइल चेहरे पे बनी रहनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है मतलब इससे नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट बेचने गए हैं, आप अपनी बात सेल करने गए हैं। सच्चाई है, हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे पहले लोग आपकी जो डायलॉग है ये सेल होता है। अगर सही तरीके से आप अपनी बात को रख पाते तभी वो प्रोडक्ट सेल हो पाता है, अगर सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता। तो जो प्रेजेंटेशन है स्टार्टअप का वो बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड। बहुत ध्यान से स्टार्टअप कीजिए, अपने अंदर स्किल को डेवलप कीजिए। जितना ज्यादा हुनर रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रेट मिलेगा, आपके मर्जी का मिलेगा, जिंदगी आपके जैसे चलेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन अगर हुनर नहीं पैदा किया आपने तो ये कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। स्किल डेवलप कीजिए और अपने आप को बदलता हुआ देखिए, लोग आपकी डिमांड खुद करेंगे अगर स्किल पैदा की तो। थैंक यू, धन्यवाद।